Here we pay for democracy with our lives. इस मुल्क में लोकतंत्र की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। ये बोलने के कुछ देर बाद ही कुछ गोलियां चलीं और मुल्क के सबसे चर्चित नेता का शरीर बेजान हो गया। वो नेता हफ्ते भर बाद होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के सबसे प्रबल दावेदारों में से था। उससे पहले उसे रास्ते से हटा दिया गया। ये कहानी अमेरिका में बसे देश इक्वाडोर की है, जहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंसियो की हत्या के बाद 2 महीने का आपातकाल घोषित कर दिया गया है। आशंका है कि मुल्क में सिविल वॉर हो सकता है। सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सारे संदिग्ध कोलंबिया से हैं। तो आज हम जानेंगे इक्वाडोर में चल रहे बवाल की पूरी कहानी क्या है, इस हत्याकांड में कोलंबिया का नाम क्यों आया और सरकार ने अमेरिका से मदद क्यों मांगी है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात इक्वाडोर की। सबसे पहले बेसिक्स जान लेते हैं। इक्वाडोर साउथ अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा है। ये किनारा प्रशांत महासागर से मिलता है। इक्वाडोर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास भी है, इसी से इसका नाम इक्वाडोर पड़ा। इक्वेटर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। मुल्क की जमीनी सीमा 2 देशों से मिलती है, पेरू और कोलंबिया। आबादी है लगभग 1,65,00,000। आधिकारिक भाषा स्पैनिश और क्वेचुआ। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राजधानी का नाम किटो। हवाई रूट से नई दिल्ली से किटो की दूरी लगभग 16,000 किलोमीटर है। इक्वाडोर की घड़ी भारत से 14 घंटे पीछे चलती है। जब भारत में रात के 8 बजते हैं, तब इक्वाडोर में सुबह के 6 बज रहे होते हैं। अब थोड़ा इतिहास पर भी गौर फरमाते हैं। इक्वाडोर पर लगभग 300 बरस तक स्पेन का शासन रहा। 1822 में स्पेन को वापस जाना पड़ा। फिर इक्वाडोर कुछ समय तक ग्रेन कोलंबिया का हिस्सा रहा। इसमें इक्वाडोर के अलावा वेनेजुएला और पेरू भी शामिल हुए थे। 1830 में इक्वाडोर अलग हो गया। इसके बाद भ्रष्टाचार, तख्ता पलट, विद्रोह और निरंकुश शासन का सिलसिला शुरू हुआ। फिर 1941 में पेरू ने हमला कर दिया। इक्वाडोर को लगभग 2,00,000 वर्ग किलोमीटर जमीन छोड़नी पड़ी। हालांकि पेरू के साथ बॉर्डर को लेकर झगड़ा आगे भी जारी रहा। 1972 में इक्वाडोर में कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हुआ। यह आगे चलकर देश की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स बन गया। 2010 में सरकार ने नया कानून बनाकर तेल के उत्पादन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। अगला चैप्टर पॉलिटिक्स का है। आज़ादी के बाद से इक्वाडोर में 20 संविधान बन चुके हैं। अभी 2008 वाला संविधान चल रहा है। देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका की तरह, यानी राष्ट्रपति सरकार के साथ साथ राष्ट्र के भी मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 सेनाओं की कमान भी होती है और उनका चुनाव जनता के डायरेक्ट वोट से होता है 4 बरस के लिए। लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं और पार्टी के टिकट पर भी। चुनाव जीतने के लिए 50% से अधिक वोट्स की जरूरत होती है। अगर पहले राउंड में कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा हासिल नहीं कर पाता, तब टॉप 2 उम्मीदवारों के बीच सेकेंड राउंड की वोटिंग कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता। मौजूदा राष्ट्रपति गेरमो लासो 2021 में चुनाव जीतकर आए थे। संसद की बात करें तो एक सदन वाली व्यवस्था यहाँ पर है। संसद का नाम नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कुल 137 सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल भी 4 बरस का ही होता है। नेशनल असेंबली के पास कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा वो चाहे तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग भी चला सकती है। महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 सदस्यों यानी कम से कम 92 वोटों की दरकार होती है। लासो के खिलाफ 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। पहली बार जून 2022 में, तब विपक्ष 92 के जरूरी आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया था। दूसरी बार मई 2023 में प्रस्ताव पेश किया गया। लासो पर भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लग रहे थे। जब तक इस प्रस्ताव पर वोटिंग होती, उससे पहले ही उन्होंने नेशनल असेंबली भंग कर दी। मुर्ते क्रूजादा का प्रावधान लागू किया। शाब्दिक अर्थ इसका होता है साझा मौत। इक्वाडोर के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति आपात स्थिति में तय समय से पहले चुनाव कराने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है। नई संसद और नए राष्ट्रपति पिछली सरकार का बचा हुआ कार्यकाल पूरा करते हैं। इस चुनाव के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की गई। इस रोज राष्ट्रपति के साथ साथ नेशनल असेंबली के सदस्यों के लिए भी वोटिंग होनी है। और आज हमारा फोकस राष्ट्रपति चुनाव पर रहेगा। इस चुनाव में कुल 8 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। अब केवल 7 बचे हैं, क्योंकि 9 अगस्त को हत्यारों ने भरी सभा में एक कैंडिडेट को गोली मार दी। नाम फर्नांडो विलाविसेंसियो। वो राजधानी किटो में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ बड़ी संख्या में उनके समर्थक जमा हुए थे।
वे उनकी तस्वीर लेकर आए थे, नारे लगा रहे थे। रैली खत्म होने के बाद फर्नांडो अपने घर को लौट रहे थे। जैसे ही वो अपनी कार की तरफ बढ़े, गोलीबारी शुरू हो गई। 40 से अधिक गोलियां चली, इनमें से 3 फर्नांडो के सिर में लगी। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस अफरा तफरी के बीच 9 लोग घायल हुए हैं। इक्वाडोर में नेताओं पर हमले या दिन दहाड़े मर्डर कोई नई बात नहीं, हालांकि पिछले कुछ समय में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने बड़े कद के नेता को सबके सामने गोलियों से भून दिया गया हो। राष्ट्रपति ने इसका ठीकरा माफिया गैंग्स पर फोड़ा है। दिलचस्प ये है कि इन्हीं गैंग्स को काबू न कर पाने के चलते लासो ने जल्दी चुनाव का ऐलान किया था। इक्वाडोर साउथ अमेरिका के उन चुनिंदा देशों में से था जहां लोकतंत्र मजबूत हुआ और शांति लौटी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो पूरा ताना बाना है वो टूट रहा है। मैक्सिको और कोलंबिया के ड्रग तस्कर पनप रहे हैं, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, माफिया गैंग्स का वर्चस्व यहाँ पर बढ़ा है। कुछ आंकड़ों से इसे हम आपको समझाते हैं। 2016 के बाद से इक्वाडोर में हत्या के मामलों में 500% की वृद्धि हुई है। जनवरी 2023 से जून 2023 के बीच देश में 3,500 से अधिक लोगों की हत्या हुई। ये पिछले साल हुई कुल हत्याओं के बराबर है। हालात यहाँ पर इतने खराब हैं कि सरकार ने आम लोगों को बंदूक रखने का अधिकार तक दे दिया है। इक्वाडोर जेल में होने वाले दंगों के लिए भी कुख्यात हो चुका है। फरवरी 2021 से मार्च 2023 के बीच जेलों में हुए दंगों में 400 से अधिक लोग मारे गए। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और इस हिंसा की वजह क्या है? दरअसल पेरू और कोलंबिया से होने वाले ड्रग्स की सप्लाई का ट्रांजिट रूट इक्वाडोर होकर जाता है। ड्रग माफिया लोकल गैंग्स की मदद से अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। कोलंबिया कोको का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोको का इस्तेमाल कोकीन बनाने के लिए होता है। पिछले कुछ बरसों में कोलंबिया में ड्रग गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ है। इसके बरक्स इक्वाडोर में कानून व्यवस्था लचर है। विदेशी गैंग्स के लिए वहाँ ऑपरेट करना बड़ा आसान है। इक्वाडोर गैंग्स की आपसी जंग के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी गढ़ बन गया है। मौजूदा राष्ट्रपति लासो से रोकने में नाकाम साबित हुए। भ्रष्टाचार और अपराधियों से साठगांठ के आरोप उन पर लगे। फिर कुर्सी पर खतरा आया तो संसद भंग कर दी। इस वैक्यूम को भरने के लिए फर्नांडो आगे आए थे। वो सरकारी तंत्र माफियाओं की पोल पट्टी खोल रहे थे। कहते थे, राष्ट्रपति बना तो माफिया गिरोहों को उखाड़ कर फेंक दूंगा। इस क्रम में उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी, मगर उन्होंने झुकने से मना कर दिया। एक रैली में वो बोले, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, तुम जैसे अपराधियों से मैं नहीं डरता, हिम्मत है तो मुझसे सामने आकर बात करो। फर्नांडो का चुनावी नारा भी उनके मकसद को दर्शाता था। इट्स टाइम फॉर द ब्रेव। ये लड़ाई बहादुर लोगों की है। उन्हें लोगों का सपोर्ट भी मिला था, लेकिन 9 अगस्त को सब धरा का धरा रह गया। उनसे खार खाने वालों ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। अभी तक हत्या के मकसद की पुष्टि नहीं हो सकी। हालांकि सबसे ज्यादा उंगली माफिया गैंग्स की तरफ उठ रही है। पुलिस ने 6 संदिग्धों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सबके सब कोलंबिया मूल के हैं। राष्ट्रपति ने 60 दिनों के आपातकाल का ऐलान किया। उन्होंने अमेरिका से मदद भी मांगी है। अमेरिका की FBI फर्नांडो की हत्या की जांच करेगी। उसके एजेंट्स जल्द ही इक्वाडोर पहुंचने वाले हैं। लासो अमेरिका के करीबी हैं। उनसे पहले के राष्ट्रपति चीन के करीबी थे। लासो के आने के बाद दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। उसी क्रम में FBI को इक्वाडोर बुलाया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव तय समय पर ही होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब फर्नांडो के बारे में भी आपको बता देते हैं ब्रीफ में। फर्नांडो ने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। 18 की उम्र में द वर्कर्स प्रेस नाम का अखबार खोला। ये अखबार मजदूरों के अधिकारों पर मुखरता से लिखता था। बाद में राजनीति की तरफ झुकाव हुआ। कॉलेज से निकलने के बाद एक पार्टी भी बनाई, नाम दिया पचकुटक पार्टी। इसका झुकाव वामपंथ की तरफ था, लेकिन पार्टी को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। 1999 में फर्नांडो एक ऑयल कंपनी से भी जुड़े, एक ट्रेड यूनियन के नेता भी रहे। बाद में वो पत्रकारिता में वापस लौटे, एल यूनिवर्सो अखबार ज्वाइन किया। ये इक्वाडोर में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले न्यूज़पेपर्स में से एक है। वहाँ फर्नांडो ने तत्कालीन राष्ट्रपति गुस्तावो नोबुआ और उनकी सरकार पर खूब निशाना साधा। 2015 में फर्नांडो ने इक्वाडोर की मशहूर वकील सिंथिया विटेरी के साथ मिलकर विकीलीक्स को कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे। इन डॉक्यूमेंट्स में सामने आया था कि इटली की एक कंपनी इक्वाडोर के राजनेताओं और पत्रकारों की जासूसी कर रही है। फर्नांडो ने कई बड़े नेताओं से पंगे भी लिए। 2014 में राष्ट्रपति थे राफेल कोरिया, उनके खिलाफ पुलिस ने विद्रोह कर दिया था। वो पुलिस से बात करने गए तो उन्हें बंदी बनाकर अस्पताल में कैद कर लिया गया। फिर उन्होंने अस्पताल से ये घोषणा कर दी कि तख्ता पलट की कोशिश हुई है, लोग अपने घरों से बाहर आए। ये ऐलान सुनकर सेना के वफादार भी जागे। उन्होंने राफेल को बचाने के लिए ऑपरेशन किया, अस्पताल में रेड की। राफेल को तो बचा लिया गया, लेकिन इस ऑपरेशन में 8 लोगों की जान चली गई और 274 लोग घायल हुए। सेना पर क्रूरता के आरोप लगे। फर्नांडो ने आपत्ति जताई, ये देश में
एक बड़ा मुद्दा बन रहा था। इसलिए राफेल कोरिया ने फर्नांडो पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। उन्होंने फर्नांडो पर जासूसी और सरकारी ईमेल हैक करने का आरोप भी लगाया। मुकदमा चला, फर्नांडो को 18 महीने की सजा सुनाई गई। फर्नांडो भागकर पेरू पहुंच गए। देश छोड़ने के फैसले के बाद कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिज्म को इंटरव्यू दिया। बोले, राष्ट्रपति चाहते हैं कि मैं घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगूं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। कुछ महीने बाद वो वापस इक्वाडोर पहुंचे। तब तक उनकी सज़ा माफ़ की जा चुकी थी। फर्नांडो की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था तेल कंपनियों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। इक्वाडोर में तेल का बड़ा भंडार पाया जाता है। लैटिन अमेरिका में ये देश वेनेजुएला और ब्राज़ील के बाद तेल उत्पादन मामले में तीसरे नंबर पर है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल के धंधे पर निर्भर करता है। देश के ऑयल रिजर्व्स पर चीनी सरकार का कंट्रोल बढ़ रहा था। भ्रष्टाचार का एक बड़ा जाल था। फर्नांडो लंबे समय से इसकी जाँच कर रहे थे और फिर उनके हाथ कुछ खुफिया दस्तावेज और ईमेल्स लगे, जिससे खुलासा ये हुआ कि कैसे चीन की सरकार और देश की कंपनियां इक्वाडोर के 90% से अधिक तेल निर्यात को नियंत्रित कर रही हैं और मोटा मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने ऑयल सेक्टर से होने वाले प्रदूषण और उससे जुड़े भ्रष्टाचार पर किताबें भी लिखी। 2021 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, चुनाव जीते और संसद पहुंचे। उन्होंने संसद में पेट्रो चाइना रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में इक्वाडोर की तेल कंपनियों की दशकों की कहानी थी। रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि कैसे अरबों डॉलर के सरकारी कर्ज के बदले चीन को तेल निर्यात पर कंट्रोल रखने की अनुमति दी गई। संसद पहुंचने के बाद उन्होंने माफिया गैंग्स और भ्रष्टाचारियों को निशाने पर लेना शुरू किया। इसके बाद वो उनके हिट लिस्ट में आ चुके थे। कई बार जानलेवा हमलों की कोशिश हुई। सितंबर 2022 में उनके घर पर गोलियां भी चली थी, लेकिन वो किसी तरह बच गए। मई 2023 में राष्ट्रपति लासो ने नेशनल असेंबली भंग कर दी। इसी के साथ फर्नांडो का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला लिया। वो भ्रष्टाचार, क्राइम के अलावा पर्यावरण संरक्षण को भी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन 9 अगस्त को उनकी हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या से एक दिन पहले फर्नांडो ने एक अनाम ऑयल बिजनेस के बारे में न्याय मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के बारे में फिलहाल कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है। हत्याकांड के बाद कुछ अपराधियों ने वीडियो जारी किया, हत्या की जिम्मेदारी ली, एक गैंग का नाम भी लिया, लेकिन कुछ देर बाद असली गैंग मेंबर्स ने वीडियो रिलीज किया। कहा, हम नहीं थे, कोई हमें ज़बरदस्ती फंसाना चाहता है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपने इक्वाडोर का मामला जाना, इसके अलावा दो और बड़ी घटनाएं घटी जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। पहली घटना का संबंध है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। अमेरिकी मीडिया संस्थान इंटरसेप्ट ने एक डिप्लोमेटिक केबल रिलीज किया है। इसमें दावा किया गया कि अमेरिकी सरकार इमरान खान को कुर्सी से हटाना चाहती थी। इमरान को अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया था। तब उन्होंने अमेरिका पर साजिश का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में अपनी बात से पलट गए। जिस डिप्लोमेटिक केबल की बात हो रही है वो सीक्रेट होता है, उसका एक्सेस प्रधानमंत्री के अलावा कुछ चुनिंदा लोगों के पास था। कहा जा रहा है कि इमरान ने जानबूझकर इसे लीक करवाया है। इमरान खान फिलहाल जेल में हैं। उन्हें तोशाखाना मामले में 3 बरस जेल की सजा सुनाई गई है। इस बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। ये खबर आई है अमेरिका के हवाई स्टेट से। हवाई द्वीप मेनलैंड अमेरिका से लगभग 4000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में है। ये टूरिज्म और अपने मिलिट्री बेस के लिए काफ़ी मशहूर है। पर्ल हार्बर भी इसी हवाई स्टेट का हिस्सा है। हवाई पिछले कुछ दिनों से भयानक वाइल्ड फायर से जूझ रहा है। इस वाइल्ड फायर में अभी तक 55 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 1000 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। हजारों टूरिस्ट अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभरात्रि।